वो भाव के भूखे हैं जो भगवान, भगवान तो भाव के भूखे हैं। नहीं नहीं, तो उन्होंने बोला था ना कि जो जो स्वच्छ मन निर्मल निर्मल मन जन सो ही हाँ, कोई पावा हाँ, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ये सुंदरकांड में चौपाई भगवान राम ने कही। हाँ, राम ने भी भगवान, और ये बाबा कहते थे यही है, बाबा खुद राम है, हनुमान जी खुद बाबा ही है, सब कुछ कुछ बाबा ही है। क्या है कि जिसका मन साफ है, आज जैसे सोमू है या मैं ही होनी, मैंने जो ऊपर ऊपर से बात करता हूँ अंदर भी मैं वैसी होना चाहूँ, वैसी होना चाहता है। अगर आदमी इंसान वैसे ही अंदर से भी है साफ दिल का, तो फिर तो कोई भगवान, अगर आप भगवान से बाबा के से हजार को बैठे हो, अमेरिका में बैठे हो और वहाँ बैठे आपने याद कर लिया, तो बाबा का काम निकाल देंगे कोई रूप में। अगर आप बाबा के पास कैंची में बैठे हो, मन आपके गड़बड़ है, गड़बड़ है, तो आपका काम बहुत दूर बैठे हो बाबा से। ये हमने एक बार नहीं लाखों बार परखा है, इसलिए क्या है, ये व्यास जी है ना, एक बार बद्रीनाथ गए थे, बता रहे थे वहाँ किसी एक्सीडेंट हो गया, फिर चक्कर मार दी, ये तो बिल्कुल नए नए थे, जैसा भी लपड़ा होगा बाबा को याद करते ही, थोड़ी देर में क्या देखा एक आदमी आया, चिंता मत कर जाओ जाओ संभाल लेंगे, वो तो चले गए, कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास। इसके घर में जाओ ना, अब इतना बच्चों को सबको विश्वास इतना हो गया है, सारा बाबा मय हो गया है। इसकी छोरी कैसे छोरी एक्टिवा पे थी, छोटा भाई पीछे बैठा, ये हस्बैंड वाइफ दो ना आ रहे थे, सांस निकलते थे, ये मोटरसाइकिल वाला तेज रफ्तार से अंदर में दो छोरी को मारा टक्कर, ये पीछे आ रहे थे, छोरी दोनों भाई बहन उछल के गिरे, हेलमेट का चुटे चूर हो गया, हेलमेट का छोरी के चोटा वगैरह आई, गाड़ी पीछे के पूरी एक्टिवा वो भाग गया, ठीक है। अच्छा ये पीछे आ रहे थे, चोरी बेहोश पड़ी थी, अंधेरे भी था, देखा तो घबरा गए, सीधा मेडिकल में ले गए। बोला कब की बात है ये? ये जो है 7-8 महीने हो गए। अच्छा अच्छा, बताए बताए नहीं। और सारा वहाँ चेकअप कराया तो हड्डी हड्डी नहीं टूटी, पर छोटा ही ना तो ली जम गई काफ़ी, और फिर थोड़ी होश आ गया, वहाँ से सर सब भाई को कुछ नहीं हुआ, भाई को वहाँ से मेडिकल सीधा यहाँ आए बाबा से मिलने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, तो बाबा ने हमको बचा लिया इसको। चोरी दूसरे दिन तो कॉलेज चले गई, गाड़ी के 10,000 रुपये लगे, चिकना चोरी पूरी एक्टिवा, कोई विश्वास होना।